नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के बाद भी सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू एमएलसी बीमा भारती के पति और बेटे को मोकामा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र की विधायक बीमा भारती के पति और बेटे को शनिवार को ही हिरासत में ले लिया गया था। दोनों को आज कोर्ट के सामने पेश किया गया है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे की गिरफ्तारी की पुलिस की तरफ से पुष्टि की गई है। बीमा भारती जेडीयू के उन दो विधायकों में शामिल थी जो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान नदारद थी। बीमा भारती दो दिनों तक नॉट रीचेबल रहने के बाद काफी विलंब से विधानसभा पहुंची। उनके गायब होने के बाद कोतवाली थाने में अपहरण का केस भी दर्ज कराया गया है। वोटिंग से नदारद रहने के बाद कहा जा रहा था कि पार्टी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वोटिंग के बाद विधानसभा में पहुंचने के सवाल पर बीमा भारती ने मीडिया को बताया था कि उन्हें मोकामा में पुलिस ने रोक लिया था। पति के साथ में हम आ रहे थे यहाँ पटना। मोकामा में जो है कि मेरा पति को मेरा बच्चा को थाना में मोकामा में बैठा लिया है। उसके चलते हमको यहाँ सदन में पहुँचने में लेट हुआ है और जो है कि गलत बात है। हम जब मीडिया में बने हुए हैं, श्रवण भैया को हम बार बार बता रहे थे कि हम यहाँ हैं, वहाँ हम बता रहे थे। पार्टी का जो भी वरिष्ठ नेता थे उनसे संपर्क में थे हम, तब भी मीडिया के थ्रू जो है कि इस तरह से गलत फेमी जो फैला रहा था पार्टी में, ये अच्छा बात नहीं है। किसी का करियर के बारे में या किसी का छवि धूमिल करने के लिए इस तरह से मीडिया में चलाया गया कि बीमा भारती फिरार हो गई है, बीमा भारती नहीं है, तो गलत बात है। अभी भी मेरा पति मकामा में थाना में बंद है, मेरा बच्चा बंद है, 7 बजे से लेकर के अभी तक वही थाना में बंद है। तो क्यों बंद किया गया है? पता नहीं क्या, वैसे ही एसपी आया उठा कर ले चल गया। तो यही कहा जा रहा है कि बीमा भारती आरजेडी खेमे में थी, जो पैसे की बात मुख्यमंत्री भी कर रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं था, हम लगातार बात हो रहा था, श्रवण भैया से बात हो रहा था, गांधी जी से बात हो रहा था, सभी से, अशोक चौधरी जी से बात किए हम। किसी से चुरा करके कहीं से भाग के 2022 में बिहार में जब नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी थी तब बीमा भारती और लेसी सिंह का विवाद सामने आया था। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज बीमा भारती ने कहा था कि जिस तरह से बाकी दागियों को मंत्री पद से हटाया गया उसी तरह लेसी सिंह को भी हटाया जाए क्योंकि वे गंभीर मामले में नामजद है। इसके बाद नीतीश कुमार ने बीमा भारती को लेकर दो टूक बयान दिया था और कहा था कि सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता, जिसे जहां जाना है जाए। इसके बाद बीमा भारती के तेवर नरम हो गए थे। एक तरफ जहां बीमा भारती के पति की गिरफ्तारी हुई है, वहीं जेडीयू एमएलए के एफआईआर दर्ज कराने की बात भी सामने आई है। एफआईआर में जेडीयू एमएलए ने आरजेडी पर 10 करोड़ रुपए के ऑफर देने का आरोप लगाया है। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने पटना के कोतवाली थाने में 11 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए आरजेडी की तरफ से 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दूसरे विधायकों को भी प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। खैर, नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद अब बिहार की सियासी हलचल कब तक थमती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे टीवी 9 बिहार झारखंड।